नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई आज भी जो है बहुत सारी क्रिकेट की न्यूज आप सभी के लिए निकाल के लेके आया हूँ। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली खबर की, तो भाई ये खबर आ रही है श्रीसंत को लेके, जहाँ पे दोस्तों हम सभी को पता है कि जो श्रीसंत है उनके ऊपर जो है बीसीसीआई ने 7 साल का बैन लगाया है और वो जो है अगले साल सितंबर के महीने में बैन हट जाएगा। तब दोस्तों ऐसे में जो है श्रीसंत ने इस बैन को हटने के बाद ये बयान दिया है कि भाई जो श्रीसंत है वो दोस्तों अगले 5 साल तक अपने क्रिकेट करियर के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे और वो जो है अगले 5 साल भारत के लिए टीम इंडिया में वापसी करने की पूरी कोशिश करने वाले। तो भाई ये होता है जज्बा, जुनून क्रिकेट को लेके जो कि श्रीसंत ने दिखाया है और वो जो है 5 साल तक अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जो है टीम इंडिया में कहीं ना कहीं से जगह मिल पाए। दोस्तों मैंने जो आप सभी को अपने इस वीडियो में बताया था कि भाई अगले साल जो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 3 टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है जुलाई के महीने में, जो कि बाबर आजम वर्सेस जोफ्रा आर्चर के बीच में कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में जो है इन दोनों बोर्ड ने 3 टेस्ट मैच और 3 T20 की सीरीज को ऐड कर दिया है। तो भाई यहाँ पे जो है क्रिकेट का मजा जुलाई के महीने में हम सभी को देखने को मिलने वाला है 2020 में, जहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान जाएगी इंग्लैंड, वहां पे खेलेगी 3 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचेस की सीरीज। तो भाई अभी जो है ये बहुत ही बड़ी खुशखबर आ रही है सर रविंद्र जडेजा और वुमेन्स टीम की एक अच्छी गेंदबाज पूनम यादव को लेके, जहां पर दोस्तों जडेजा और जो पूनम यादव है उनको जो है अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। मैंने जो आप सभी को बताया था कि जो भाई जो अपने जडेजा है उनका जो नाम है बीसीसीआई ने अर्जुना अवार्ड के लिए दिया है और खुशखबरी देखिए, जडेजा और जो पूनम यादव है दोनों को जो है अर्जुना अवार्ड मिलने वाला है। भाई हम सभी को तो पता है जडेजा कौन है, लेकिन बात करते हैं पूनम यादव की दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग को पता होगा और बहुत को पता नहीं होगा, अपनी जो पूनम यादव है वो दोस्तों फिलहाल टीम इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट में T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है। पूनम यादव जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है वुमेन्स इंडिया टीम के स्क्वाड में। तो भाई अभी जो है खबर आ रही है मनीष पांडे के चाहने वालों को लेके, जहां पर दोस्तों कर्नाटका प्रीमियर लीग में मनीष पांडे ने एक शानदार सेंचुरी जड़ी है नंबर 4 पे आके। हालांकि वो जो सेंचुरी है वेस्ट चली गई, मनीष पांडे की जो टीम है वो मुकाबला जीत नहीं पाई, हार गई, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मनीष पांडे का फॉर्म में आना हम सभी के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे। दोस्तों अभी जो है मैं आप सभी को खबर दे रहा हूँ अमेरिकन T20 रीजन से, जहाँ पर दोस्तों कनाडा ने जो है USA को ICC T20 अमेरिकन रीजन के फाइनल में हरा दिया है, जहाँ पर दोस्तों कनाडा ने जो है USA को हरा के ICC अमेरिकन रीजन T20 में अपना कब्जा बनाया। तो भाई आप सभी को जो है मैं ऐसे ऐसे न्यूज निकाल के लेके आता हूँ, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो जरूर से लाइक करके रख दीजिए। दोस्तों अभी जो है भाई खबर आ रही है पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी मिसबाह उलक को लेके, मैंने आप सभी को न्यूज दी थी ऑलरेडी कि जो पाकिस्तान की टीम है वो मिसबाह उलक को हेड कोच के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि मिसबाह उलक का जो काम है वो दोस्तों बढ़ सकता है। वो कैसे, एक तो दोस्तों हेड कोच के लिए अप्लाई किए हेड कोच बन सकते हैं, प्लस पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर है उसकी जो भूमिका है वो भी दोस्तों मिसबाह उलक को मिल सकती है। तो भाई यहाँ पे जो है मिसबाह उलक के लिए आने वाले समय में पाकिस्तान के टीम में थोड़ी सी अहम भूमिका होने वाली है हेड कोच और चीफ सिलेक्टर को लेके। अभी भाई खबर आ रही है मोहम्मद आमिर को लेके, जहां पर दोस्तों शोएब अख्तर ने जो है मोहम्मद आमिर से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई मोहम्मद आमिर जो है पाकिस्तान के टीम को ज्वाइन कर ले और जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए है उसको वापस ले ले। भाई यहां पर जो है मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया ये बात तो समझ में आती है 27 साल की उम्र में, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर जो है इंग्लैंड की काउंटी लीग में खेलने गए, वहां पर जो है 6 विकेट भी झटके है। तो भाई इसका जो है नतीजा क्या है हमको नहीं पता कि मोहम्मद आमिर ने संन्यास क्यों लिया, पाकिस्तान की टीम से खेलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड के डोमेस्टिक काउंटी लीग में खेलते हैं, वहां पे खेलते तो है लेकिन 6-6 विकेट भी झटकते हैं, जिसको देखते हुए जो है शोएब अख्तर ने कहा है कि मोहम्मद आमिर को जो है पाकिस्तान की टीम को वापस आना चाहिए, इस पाकिस्तान की टीम को जो है आमिर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
भाई अभी जो है खबर आ रही है साउथ अफ्रीका ए से, जहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका ए में जो है लुंगी एंगिडी की वापसी हुई है। जहां पर दोस्तों लुंगी एंगिडी का जो नाम था पहले साउथ अफ्रीका ए के स्क्वाड में नहीं था, जो कि दोस्तों भारत के सामने अनऑफिशियल वनडे और टेस्ट मैच खेलने वाली है, उसके अंदर जो है अभी खुशखबर ये है कि लुंगी एंगिडी का नाम साउथ अफ्रीका ए के स्क्वाड में आ चुका है, जो कि दोस्तों अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलने वाले। दोस्तों आज के दिन यानी कि दोस्तों 22 अगस्त 2011 में जो है एक ऐसा वाकया हुआ जहां पर दोस्तों लसित मलिंगा लेजेंड खिलाड़ी बने थे वो पहले गेंदबाज जिन्होंने जो है वनडे क्रिकेट में 3 हैट्रिक ली थी। तो भाई ऑन दिस डे दैट ईयर 22 अगस्त 2011 में जो है मलिंगा ने तीसरी बार वनडे क्रिकेट में हैट्रिक ली थी और वो जो है एकमात्र पहले गेंदबाज बने थे जिन्होंने इस कारनामा को अचीव किया था। ये जो है बहुत ही बड़ी बात है मलिंगा लेजेंड खिलाड़ी के लिए। दोस्तों अभी जो मैं आप सभी को एक फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट नहीं आप उसको बोल सकते हैं न्यूज है। बात करते हैं भाई गेंदबाजों के स्टेप्स की, यानी कि दोस्तों कौन कौन से गेंदबाज कितनी कदम दूरी गिनते हैं उसके बाद अपना रनअप मार्क करते हैं और वहां से गेंदबाजी करते हैं। बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की, भाई जोफ्रा आर्चर है वो दोस्तों सिर्फ 13 कदम की दूरी नापते हैं, वहां से अपना मार्क करते हैं और आके अपनी बॉलिंग स्टार्ट करते हैं। वहीं बात करते हैं दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर की, शोएब अख्तर जो है 23 कदम नापते हैं, 23 स्टेप लेते हैं, उसके बाद जो है गेंदबाजी करने के लिए रनअप मार्क करते हैं। तो भाई ये जो है बहुत बड़ा फर्क है, जोफ्रा आर्चर मात्र लेते हैं 13 स्टेप, वहीं शोएब अख्तर जो है लेते हैं 23 स्टेप। लेकिन उसे दोनों की रफ्तार जो है यहाँ पर जो है जोफ्रा आर्चर इतनी धीमी आते हैं रनअप लेकर, लेकिन जो उनकी रफ्तार है लगभग 150 है, वहीं शोएब अख्तर है उनका हम सभी को पता है शोएब अख्तर जो है कितनी तेज गेंदबाजी करते थे, 150 प्लस 160 भी गेंदबाजी की है शोएब अख्तर ने। तो दोस्तों ये थी आज के दिन की सारी क्रिकेट की न्यूज मैंने आप सभी तक पहुंचा दी। तो भाई आप सभी जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी पक्का तौर पे करके रख लीजिए। मैं आप सभी को मिलता हूँ कल कुछ नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट न्यूज के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।